हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 6,000। इफ द नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीजेस बाय 10% एंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इंक्रीजेस बाय 20%, देन द पॉपुलेशन बिकम्स 6,800। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स इन द टाउन नाउ। तो क्वेश्चन में बोला है कि अगर पॉपुलेशन एक टाउन की 6,000 है और नंबर ऑफ मेल्स में अगर 10% इंक्रीज हो गया है और फीमेल्स में 20% का इंक्रीज हुआ है, तो पॉपुलेशन टोटल यहाँ पे 6,800 हो जाएगी। तो अपने को फाइंड करके बताना है कि फीमेल की पॉपुलेशन टाउन में अभी कितनी। तो पहले के अकॉर्डिंग एक्स, अगर मैं बोल देता हूँ नंबर ऑफ मेल्स टाउन में, तो एक्स यहाँ पे अगर मेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड फीमेल्स को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाई से, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6,000 हो जाएगा। अब मेल्स में अगर 10% इंक्रीज कर दिया तो ये 110% हो जाएगा, मीन्स 110 अपॉन 100 ऑफ एक्स, प्लस फीमेल्स में 20% इंक्रीज हो गया, मीन्स 120% हो गया, दैट मीन्स 120 अपॉन 100 ऑफ वाई इज इक्वल्स टू, अब पॉपुलेशन जो है वो 6,800 हो चुकी है, तो 6,800 हो जाएगी। एक एक जीरो कैंसिल आउट हो रहे हैं, एक एक जीरो यहाँ कैंसिल कर लेंगे। अब दोनों में डिनोमिनेटर जो है 10 है, सो डिनोमिनेटर को अपन 10 कॉमन ले सकते हैं एंड फिर ये डिनोमिनेटर जो है 10 ये चले जाएगा राइट साइड में। तो ये ऐसे भी आप कह सकते हैं कि पूरे इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इक्वेशन बन जाएगा 11x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 6,800 को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 68,000। तो इससे अपने दो इक्वेशंस क्रिएट हो गए। फर्स्ट इक्वेशन था x प्लस y इज इक्वल्स टू 6,000, सेकेंड इक्वेशन बन गया है 11x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 68,000। अब अपने को फाइंड आउट फीमेल्स की पॉपुलेशन करना है तो y की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए अपन x को एलिमिनेट करेंगे। अब x को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 11, सो दैट के कोएफिशिएंट x का सेम हो जाए दोनों भी इक्वेशन में। तो जब 11 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को, तो इक्वेशन बन जाएगा 11x प्लस 11y इज इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाइड बाय 6,000 इज 66,000। इसको बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब सेकेंड इक्वेशन में से अगर अपन इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर लें तो इससे y की वैल्यू मिल जाएगी, बिकॉज 11x में से 11x गया कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा, 12y में से 11y गए तो 1y बचेंगे, 68,000 में से 66,000 चले गए तो ये बच जाएंगे 2,000। सो y की वैल्यू आ गई है 2,000। इसका मतलब इनिशियली जो फीमेल्स की पॉपुलेशन है टाउन में वो 2,000 थी, बट अपने को अभी की पॉपुलेशन बताना है। तो अभी की पॉपुलेशन जो है फीमेल्स की वो 20% इंक्रीज हो चुकी है, दैट मीन्स कि वो 120 अपॉन 100 ऑफ y, तो 120 अपॉन 100 ऑफ 2000 करना पड़ेगा। 20 के टेबल से कैंसिल होगा, 26 है 25 है, देन 5 वन जा 5 4 जा 20, 2 जीरो है 2 जीरो एज इट इज आ जाए। सो 6 को मल्टीप्लाई करना है 400 से, इससे अपने को फाइनल आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। सो 6 4 जा 24, तो 2400, दैट मीन्स 2400 इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन एंड इट इज गिवन इन ऑप्शन बी, सो बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।